मैं बिना गौर आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास रहेगी जो कि क्लास 6 से 10th के लिए है। इसमें इंटीग्रेटेड ग्रामर एक्सरसाइज रहेंगी और ये इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 है। सो अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए, और अगर आप पहली बार ही वीडियो मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। आज की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 26 से प्रश्न नंबर 50 तक के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 26 है धारा। आई लव चॉकलेट, इसका इनडायरेक्ट करना है। धारा सेड दैट सी ब्लैंक चॉकलेट। सो ब्लैंक में आएगा लव्ड, लव्स, लविंग या लव। सो आप देखेंगे ब्लैंक में यहां पर लव्ड आएगा। धारा सेड दैट सी लव्ड चॉकलेट। लव्ड करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए बॉय सेड टू अ गर्ल ब्लैंक इनवर्टेड कॉमास आई वेंट स्कीइंग। ऑप्शंस हैं, इसका भी इनडायरेक्ट करना है। ए बॉयज आस्क्ड ए गर्ल दैट ही वांटेड स्कीइंग। अब यहां बॉय लिखा हुआ है, यहां बॉयज हो गया, ये गलत है। सेकंड में ए बॉयज टोल्ड, यहां पर बॉय है, यहां भी बॉयज हो गया, तो ये भी गलत हो गया डायरेक्टली। ए बॉय टोल्ड ए गर्ल दैट ही हैड गोन स्कीइंग और ए बॉय टोल्ड ए गर्ल दैट सी हैड गोन स्कीइंग। तो ए बॉय है, ए बॉय के अकॉर्डिंग आई का क्या आ जाएगा, आई अगर हम चेंज करेंगे ए बॉय से तो क्या हो जाएगा, ही होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ए बॉय टोल्ड ए गर्ल दैट ही हैड गॉन स्कीइंग। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट रहेगा, ही। यस, ये करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मिस्टर कलाम वाज फ्रॉम साउथ। ये क्वेश्चन टैग है, हैज ही, वाज ही, वाजंट ही या डिडंट कलाम। सो यहां पर वाज लिखा हुआ है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सो करेक्ट आंसर होगा वाजंट ही। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द लैपटॉप इजंट ऑन द टेबल। अब ये भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन टैग बनाना है, लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव दिया है इजंट। सो वेयर इट, इज इट, हैज और इजंट द लैपटॉप। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इजंट ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इज इट। जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इज इट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, द वुड कटर कट अ ट्री। ये पॉजिटिव हो गया फिर से, डिड ही, डिडंट ही, डज ही और डजंट ही। देखेंगे यहां पर कट है, अगर ये सिंगुलर फॉर्म में होता तो यहां कट से होता, अगर यहां कट है इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। सो पास्ट इंडेफिनिट है, इसके साथ साथ ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो डिडंट ही ये इसका करेक्ट आंसर होगा। द वुड कटर कट अ ट्री, क्वेश्चन टैग बनाना है, करेक्ट आंसर आएगा डिडंट, डिडंट ही। क्वेश्चन नंबर 31, देयर इज ब्लैंक पेट्रोल इन ए टैंक टूडे देन यस्टरडे। सो देयर इज ए लिटिल, लेस, लेसर और मच। देन टूडे देन यस्टरडे लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, लेसर पेट्रोल आएगा। देयर इज लेसर पेट्रोल इन अ टैंक टूडे देन यस्टरडे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 31 है, नथिंग ब्लैंक अबाउट द इंसिडेंट सिंस दैट टाइम, हैज सेड दैट टाइम लिखा हुआ है और सिंस लगा हुआ है तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हो ही गया, लेकिन अब देखेंगे नथिंग हैज सेड, वाज सेड, हैज बीन सेड, बहुत ही क्लियरली हमारा आंसर निकल रहा है। नथिंग हैज बीन सेड अबाउट द इंसिडेंट सिंस दैट टाइम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, ए न्यू लुक बुक ब्लैंक बाई एंजल इंस्टीट्यूट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर यहां से देखेंगे, सो नेक्स्ट ईयर फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेगा, बिल पब्लिश, बिल बीइंग पब्लिश्ड, बिल बी पब्लिश्ड, बिल हैज बीन पब्लिश्ड, सो पैसिव वॉइस बनेगा तो बिल बी पब्लिश्ड आएगा, ए न्यू बुक विल बी पब्लिश्ड बाई एंजल इंस्टीट्यूट नेक्स्ट ईयर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 34, आई थिंक आई नो ब्लैंक सी लेफ्ट द जॉब, सी लेफ्ट द जॉब, तो अब सी लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब छोड़ दिया है तो इसका रीजन आएगा वेयर इफ वाई और अनटिल, सो बहुत ही क्लियर है रीजन के लिए क्या आता है, वाई आता है, सो आई थिंक आई नो वाई सी लेफ्ट द जॉब, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, ब्लैंक आई हैड नोन एड्रेस आई वुड हैव कम टू मीट यू, वेदर, हाउ एवर, वेन, इफ, सो ऑप्शन है यहां पर कंडीशनल है, आई हैड नोन एड्रेस, तो कंडीशनल में क्या आएगा, इफ, इफ आई हैड नोन द एड्रेस, अगर मुझे एड्रेस पता होता तो मैं आपसे मिलने जरूर आता, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, गेट इन टू द कार ब्लैंक यू सी मी, गेट इन टू द कार ब्लैंक यू सी मी, वाइल, एज सून एज, अनलेस, सो, गेट इन टू द कार वाइल यू सी मी, एज सून एज यू सी मी, अनलेस यू सी मी, सो यू सी मी, सो यू सी मी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा, कार में जाएं ताकि आप मुझे देख सकें, सो यू सी मी, ऑप्शन नंबर डी। 37, वी प्लान टू अरेंज अ टेस्ट ब्लैंक नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मंडे, सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वी प्लान टू अरेंज ए टेस्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट मंडे, ऑन नेक्स्ट मंडे, एट और फॉर, सो जब टाइम आ जाता है प्रीपोजिशनल यूज आ गया, ऑन नेक्स्ट मंडे, एक पर्टिकुलर डे है और डे के लिए क्या लगाते हैं हम, ऑन लगाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, कैसी बुक पढ़ते हैं, यहां से क्लियर होगा कैसी, व्हाट काइंड, यस आई रीड रेगुलरली, तो ये ऑफन आ गया, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, आई रीड मोटिवेशनल बुक्स, कैसी बुक, मोटिवेशनल बुक्स, आगे देखते हैं, मेनी काइंड ऑफ बुक्स आर हियर टू रीड, यहां पर पढ़ने के लिए, यहां पर जगह का बात कर रहे हैं, यहां पर टू आवर्स डेली, सो आई रीड मोटिवेशनल बुक्स, व्हाट काइंड, मोटिवेशनल बुक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। 39, आई ब्लैंक अंडरस्टैंड व्हाई यू वुडंट लेट मी, सो आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई यू वुडंट लेट मी, मैं नहीं समझ सकता आप मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे, मस्ट, आई मस्ट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड, आई शुडंट अंडरस्टैंड, व्हाई यू वुडंट जब लिखा हुआ है तो यहां भी कुड नॉट आएगा, आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता कि आपने मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, डिम्पल डजंट लाइक आइसक्रीम बट हर किड्स डू डोंट डज, इंटरोगेटिव क्वेश्चन वही आ गया, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहां है डजंट, सो बट हर किड्स, किड्स डू, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, किड्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बट हर किड्स डू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 41, द क्लास बिलोंग्स टू मी, दिस क्लास बिलोंग्स टू मी, क्वेश्चन टैग है, इजंट, इजंट माइन, माई, योर और एम, जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो क्या होता है, इट्स माइन, ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में मी का माइन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए,
42 है, ही एट हिज डिनर एवरी, एवरी के बाद फ्रीक्वेंसी लगानी है, ही एट हिज डिनर वेरी क्विकली, क्विक, यूजफुल, मच. सो ऑब्वियसली यहां पर क्या है, एट के लिए एडवर्ब सेट करना है, तो एट का एडवर्ब आएगा क्विकली. ही एट हिज डिनर वेरी क्विकली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 43 है, मोस्ट ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स आर 6 ब्लैंक टॉल और मोर, फुट्स, फीट, फीट, फुट. सो 6 फीट, फुट का प्लूरल क्या हो जाता है, फीट होता है, तो 6 फीट आएगा ऑप्शन नंबर सी 43 के लिए. प्लूरल नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन था ये. मोस्ट ऑफ द बास्केटबॉल प्लेयर्स आर 6 फीट टॉल और मोर, प्लीज स्पीक ब्लैंक लिटिल लाउडर, ए लिटिल लाउडर, एन लिटिल लाउडर, द लिटिल लाउडर, नो आर्टिकल. सो प्लीज स्पीक ए लिटिल लाउडर, थोड़ा सा तेज बोलिए, ए लिटिल लाउडर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा 44 क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन नंबर 45, मे आई गेट योर कॉल योर ब्लैंक सेल नंबर प्लीज, ए एन द, नो आर्टिकल, आर्टिकल से रिलेटेड आ गया, मे आई गेट योर सेल नंबर प्लीज, तो यहां पर नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली. क्वेश्चन नंबर 45. नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, देयर वर मैनी ब्लैंक इन द फार्म यस्टरडे, सिप्स, सीप्स, सीप और सीप, स्पेलिंग देखेंगे, सिप का प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, सीप का प्लूरल नहीं होता है. सो देयर वर मैनी सीप इन द फार्म यस्टरडे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए. 47, शी डिसाइडेड टू लिव बाई ब्लैंक अलोंग इन अ सिटी, लिव बाई हर, हर सेल्फ, नाउ, ए बी. सो लिव बाई हर सेल्फ अलोन, अपने आप, यहां पर सी के लिए आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है ये. सी डिसाइडेड टू लिव बाई हर सेल्फ अलोन इन अ सिटी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 48, इफ यू हैपन टू सी माई पेरेंट्स देयर, अगर आपको मेरे पेरेंट्स दिखाई देते हैं, गिव ब्लैंक माई बेस्ट रिगार्ड, गिव देन, किसके लिए, पेरेंट्स के लिए, तो क्या आएगा, गिव देम, गिव देम माई बेस्ट रिगार्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गिव देम माई बेस्ट रिगार्ड, ऑप्शन नंबर बी 48 क्वेश्चन के लिए. 49, ही शुड बी असेम्ड ऑफ ही, हिमसेल्फ, हिज और हिम. सो ही के लिए यहां भी रिफ्लेक्सिव रहेगा, ही शुड बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा. और ये आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50, द किंग रिमेंबर्स ब्लैंक द क्वीन इन अ फेयर, रिमेंबर्स, मीट, टू मीट, मीटिंग, टू मीटिंग, द किंग रिमेंबर्स, यहां पे क्या आएगा, मीटिंग आएगा, ये जीरंट केस में रहेगा, द किंग रिमेंबर्स मीटिंग द क्वीन इन अ फेयर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल रिमाइंडर्स को, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाले सारे रिमाइंडर्स आपको मिलते रहें. विनयगौर, थैंक्स यू, हैशटैग विनयगौर, ये चैनल मेरा पर्टिकुलरली जीके करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड है और आप इस समय हैं लर्निंग विद विनयगौर पर. थैंक यू, थैंक्स फॉर